हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैनासोनिक के लेटेस्ट 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर की अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड साउंड टेस्ट। दोस्तों अगर आप इस मॉडल को परचेज करने की सोच रहे हैं तो यार आज की वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूं। इसका मॉडल नंबर है पैनासोनिक SC ST480GWK। एंड दोस्तों अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 9500 रुपीज। सो यार 9500 में हमें ये मॉडल को परचेज करना सही है या नहीं है, आज की वीडियो में दोस्तों हम प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ आपको काफी डिटेल में बताने वाले हैं, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हमने इसे खुद परचेज करा है। सो जो हमारा लाइव एक्सपीरियंस होगा वो चीज मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपको इस मॉडल को परचेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस मॉडल का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, जाकर आप परचेज भी कर सकते हैं। साथ में यार जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी पे साउंड टेस्ट लेकर आएंगे इंस्टाग्राम पर। सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो सबसे पहले दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बॉक्स हमने ओपन कर लिया है, अब मैं आपको बॉक्स कंटेंट को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले हमें वारंटी कार्ड इस पर मिल जाता है। सो ब्रांड की तरफ से हमें 1 ईयर की वारंटी इस पर मिल जाती है। दोस्तों हमें यूजर मैनुअल मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूजर मैनुअल पर मिल जाएगी। हमें RCA टू 3.5 mm केबल मिलती है, RCA टू RCA केबल भी मिल जाती है, रिमोट कंट्रोल भी हमें मिल जाता है, हम अपने सिस्टम को रिमोट कंट्रोल से पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों हम इक्वलाइजर को एडजस्ट कर सकते हैं, साथ में बेस एंड ट्रेबल को भी रिमोट कंट्रोल से एडजस्ट कर पाएंगे। दोस्तों हमें स्टैंड भी मिल जाते हैं स्पीकर के लिए, 4 स्टैंड मिलते हैं स्पीकर को रखने के लिए, एंड ये प्लास्टिक के हैं। क्वालिटी वाइज दोस्तों ठीक हैं। अभी दोस्तों हमें सैटेलाइट स्पीकर को वॉल माउंट करने के लिए वॉल माउंट किट भी इस पर मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम आपको सैटेलाइट स्पीकर्स को डिटेल पे दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए इस पर हमें 4 सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं। सो मैं आपको एक को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। सर कैमरे को थोड़ा पास ले आइए। देखिए दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर के सामने की तरफ से हमें ग्रिल मिल जाती है, एंड ये मेटल की है। दोस्तों इस पर हमें 2.5 इंचेस का ड्राइवर मिल जाता है सामने की तरफ से, एंड बाकी के सैटेलाइट स्पीकर्स पर भी दोस्तों हमें 2.5 इंचेस का ड्राइवर मिल जाता है सभी में लगा हुआ। एंड दोस्तों इसका जो डिजाइन है वो पूरा ABS प्लास्टिक का हमें मिल जाता है। साथ में देखिए हम इनको वॉल माउंट भी कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी वाइज तो दोस्तों बढ़िया लग रहे हैं। एंड देखिए टॉप पर हमें पैनासोनिक की ब्रांडिंग भी इस पर मिल जाती है। अब चाहे तो दोस्तों हम इसे स्टैंड पे भी रख सकते हैं। सो मैं एक बार स्टैंड पे भी लगा के आपको दिखा देता हूं कि आप कैसे रखेंगे इन्हें। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इन्हें स्टैंड पे भी रख सकते हैं। दूसरे वाले को भी हम स्टैंड पे रख लेते हैं। देखिए गाइस दो तो आप ऐसे रख सकते हैं स्टैंड में, वैसे तो चारों आप स्टैंड पे रख सकते हैं। देखिए 4 स्टैंड हमें मिल जाते हैं, बट आप 2 सैटेलाइट स्पीकर को साउंड बार बनाकर भी यूज कर सकते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये भी मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं एक बार। तो गाइस देखिए दूसरे वाले को आप ऐसे बार भी बना सकते हैं। इसको हम ऐसे रख लेते हैं। ये देखिए मतलब दोस्तों डिजाइन वाइज ये काफी बढ़िया लग रहे हैं। आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं, 2 सैटेलाइट स्पीकर को आप बार भी बना सकते हैं, एंड सभी पे मैंने आपको बताई दिया है 2.5 इंचेस के ड्राइवर हमें मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसके सबवूफर को भी डिटेल में दिखा देते हैं। दोस्तों इस सिस्टम का सबवूफर ही मेन यूनिट है। देखिए सबसे पहले इसका जो डिजाइन है वो हमें काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है, पूरा मैट ब्लैक पे ये दे रखा है। तो दोस्तों हम इसके फ्रंट साइड को डिटेल पे देखते हैं। देखिए टॉप पर हमें पैनासोनिक की ब्रांडिंग इस पर मिल जाती है, नीचे से देखिए हमें कुछ टच सेंसिटिव बटन इस पर मिल जाते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट के बटन मिल जाते हैं। दोस्तों प्रीवियस नेक्स्ट के बटन को अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज भी हो जाएगी, सोर्स का बटन मिल जाता है, साथ में पावर ऑन ऑफ के लिए भी बटन मिल जाता है। आई थिंक यहाँ पर LED इंडिकेटर हमें मिल जाता है, जब इसे ऑन करेंगे तब देखेंगे। नीचे से देखिए हमें बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे से एयर पास होगी। एंड दोस्तों बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट पर हमें प्रोटेक्शन भी लगा हुआ मिल जाता है। साइड से दोस्तों हमें 6.5 इंचेस का सबवूफर इस पर मिल जाता है। सो बेस क्वालिटी तो आई थिंक यार बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस भी इसका काफी ज्यादा है।
मेरे हिसाब से बेस क्वालिटी बढ़िया होगी, क्योंकि पैनासोनिक के जितने भी मॉडल अभी तक हमने टेस्ट करें सभी की बेस क्वालिटी काफी बढ़िया हमें मिल जाती है। अब इसके बैक साइड को डिटेल में देख लेते हैं एंड देखते हैं कि यार कौन कौन सी कनेक्टिविटी हमें मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इनपुट पोर्ट मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर हम अपनी RCA 3.5 mm केबल कनेक्ट करेंगे एंड इस सिस्टम को अपने टीवी पीसी लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। साथ में देखिए दोस्तों, हमें आउटपुट पोर्ट मिल जाता है, यहीं पे हमारे सारे सैटेलाइट स्पीकर कनेक्ट होंगे एंड हमें देखिए पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। दोस्तों, कैबिनेट इसका पूरा वुडन का हमें मिल जाता है, देखते हैं फिट एंड फिनिश कितनी बढ़िया हमें मिलती है। अब मैं बात करूं ड्रॉबैक की, देखिए ड्रॉबैक इस पर हमें जो मिलता है ना, सबसे पहले कनेक्टिविटी पे यार 9,500 की रेंज में इस पर हमें HDMI ARC एंड ऑप्टिकल ये दोनों ही कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, ना ही दोस्तों हमें इस पर FM रेडियो मिलता है, जो कि यार इतना इसका जब हाई प्राइस है तो यार ये चीजें हमें देनी चाहिए थी एंड इस मॉडल पर ये चीज नहीं है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको यार 10,000 में ऐसा सिस्टम चाहिए जिस पर कनेक्टिविटी भी सारी हो, तो वहां पे ये मॉडल बेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है एंड कनेक्टिविटी में ड्रॉबैक हमें मिल जाता है। जबकि अगर हम इसी के साउंड बार की बात करें, 5-6 हज़ार का दोस्तों इसका साउंड बार आ जाता है एंड उस पर हमें सारी कनेक्टिविटी के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। सो यहाँ पर यार पैनासोनिक ने इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था एंड इस पर हमें कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शन देने चाहिए थे। अगर कनेक्टिविटी के ऑप्शन इन्होंने नहीं दिए थे सो इसका प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज करना चाहिए था, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, हमने इसे पूरा अनबॉक्स कर लिया है, डिजाइन आपको काफी डिटेल में दिखा दिया है, बॉक्स कंटेंट को भी डिटेल में दिखा दिया है। अब दोस्तों, मैं इसके टोटल पावर आउटपुट की भी बात कर लेता हूं। दोस्तों, इस पर हमें 100 वाट्स का साउंड आउटपुट मिल जाता है। बाकी अगर हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में दोस्तों ये मुझे काफी बढ़िया लगा है, मतलब यहां पर आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। सो अब दोस्तों इसे ऑन करते हैं एंड आपको डेमो देते हैं, फिर इसका साउंड टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमने इसे पूरा कनेक्ट कर लिया है, देखिए यहाँ पर LED इंडिकेटर दिख रहा है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, मतलब यार 9,500 रुपये हम खर्च कर रहे हैं बट यार हमें LED डिस्प्ले नहीं मिल रहा है। सो ये सबसे बड़ा कौन है, मतलब इतना प्राइस खर्च करने के बाद यार डिस्प्ले तो मिलना चाहिए था बट डिस्प्ले नहीं मिला है। अब रिमोट कंट्रोल तो हमें मिला है। सो सबसे पहले दोस्तों, हम इसकी टॉप वॉल्यूम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है एंड जब ये टॉप हो जा रही है तो ब्लिंक करना बंद कर दे रहा है, यानी कि हमने इसे मैक्स वॉल्यूम पर खोल दिया है। साथ में देखिए, रिमोट कंट्रोल पर हमें ट्रेबल एंड बेस कंट्रोलर भी मिल जाते हैं। सो एक बार इनको भी मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए, माइनस करके देखते हैं तो देखिए ब्लिंक कर रहा है LED इंडिकेटर, देखिए इतनी ही ये माइनस में जाएगी। अगर प्लस करेंगे तो प्लस में भी देखिए ये LED इंडिकेटर जो है ब्लिंक करेगा एंड ब्लिंक करना जब ये बंद कर देगा तो आप समझ लीजिएगा ये मैक्स खुल चुका है। सेम बेस में भी इसी की तरह है एंड इस पर दोस्तों हमें इक्वलाइजर भी मिल जाता है। सो मैं एक आपके सामने नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक प्ले करता हूँ एंड इसके इक्वलाइजर को भी टेस्ट करके देखते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, हमने अपना फ़ोन जो है वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिए। वाइब्रेशन तो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें इस पर इक्वलाइजर मोड्स मिल जाते हैं जो कि मैंने टेस्ट करके आपको दिखा दिए हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि यार आपको कौन सा इक्वलाइजर मोड ज्यादा बढ़िया लगता है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यार इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो तो काफी हैवी है, आपको समझ में आ रहा होगा जो हमारा बार है वो पूरा मतलब डांस करने लग जा रहा है। सो इससे ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि जो इस पर बेस है वो तो काफी डीप मिलता है। बट दोस्तों यार एक कौन मुझे ये लग रहा है ना, जो कैबिनेट की क्वालिटी है वो उतनी बढ़िया नहीं है। फिट एंड फिनिश की अगर मैं बात करूं, ये कैबिनेट जो है ये वाइब्रेट कर रहा है। अब ये हो सकता है कि हमारे मॉडल पे ये प्रॉब्लम हो औरों पे ना आई हो, ये चीज़ हम एग्जैक्ट में नहीं बोल सकते हैं बट हमारे उसमें हो रहा है तो मुझे लगा कि ये चीज़ भी आपको बता देनी चाहिए। अदरवाइज बेस क्वालिटी जो अभी हमने ऑब्जर्व करी वो काफ़ी बढ़िया है। सो अब दोस्तों हम इसका डिटेल पे ऑडियो टेस्ट करते हैं। सो प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए, तभी आपको एग्जैक्ट में ऑडियो क्वालिटी का पता लग पाएगा। साथ में यार एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया था, जो इसके बटन से ना दोस्तों, ये हमें टच सेंसिटिव बटन मिल जाते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, तो मैं एक बार और म्यूजिक प्ले करता हूँ। ये देखिए, अगर हमें वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो हम यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी एंड अगर हमें वॉल्यूम डिक्रीज करनी है तो इसे हम देखिए करेंगे लॉन्ग प्रेस तो डिक्रीज भी हो जाएगी प्रीवियस एंड नेक्स्ट वाले बटन से।
तो ये चीज हमें मिल जाती है। साथ में देखिए सोर्स का बटन भी मिल जाता है, टच सेंसिटिव है ये भी। यहाँ पे से देखिए चेंज हो जाएगा मोड, ये देखिए। बट मैं इसको रिमोट कंट्रोल से दिखाता हूँ आपको, आप रिमोट कंट्रोल से भी कर पाएंगे। इनपुट का जो बटन मिलता है उससे है, उससे हम कर सकते हैं दोस्तों। इस पर हमें USB एंड ऑक्स की और कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कराते हैं डिटेल में, फिर अपना एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों यार हमने आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी डिटेल में टेस्ट करा दी है। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर हमें किस तरीके का परफॉर्मेंस मिल जाता है। दोस्तों जितना मैंने इसे टेस्ट करा मेरे अकॉर्डिंग यार ऑडियो क्वालिटी तो अच्छी है, नो डाउट, क्योंकि आप सबको पता है पैनासोनिक का मॉडल है, सो क्रिस्टल क्लियर ऑडियो तो हमें इस पर मिलता है। साथ में यार लाउडनेस की अगर मैं बात करूँ सो वो हमें डिसेंट मिलती है। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि यार ये स्पीकर्स बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, आप अगर आउटडोर में यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक डिसेंट लाउडनेस हमें इस पर मिल जाती है। साथ में अगर मैं क्लियरिटी की बात करूँ सो क्लियरिटी में मेरे को बढ़िया लगा है। मतलब मिड्स एंड हाइज इसके दोस्तों काफ़ी बढ़िया हैं। अगर आप फुल वॉल्यूम पर भी सुनेंगे तो आपके कानों पर इसकी जो आवाज़ है वो नहीं चुभेगी, काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी प्रीमियम साउंड हमें मिल जाता है। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग पैनासोनिक ने ऑडियो पे तो काम करा है, ये चीज़ में तो डिनाई हम नहीं कर सकते कि यार ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी। ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के इस पे ट्रैक्स प्ले करे एंड ऑडियो क्वालिटी हमें अच्छी लगी। अब दोस्तों इसका थोड़ा सा बेस टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि लोअर फ्रिक्वेंसीज की टेस्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि यार परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिलता है। जैसा कि जब मैंने आपको इसका इक्वलाइजर एडजस्ट करके दिखाया था तो मैंने आपसे बोला था कि यार इसके कैबिनेट से जो आवाज़ है आ रही है भर भर की। मतलब बेस तो फट नहीं रहा है बट दोस्तों कैबिनेट का फिट एंड फिनिश मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा है। एंड ये चीज़ भी मैंने आपसे बोली थी कि यार हो सकता है कि ये केवल हमारे मॉडल पे ही दिक्कत हो और में नहीं हो। सो अब इसका दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में बेस टेस्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिलता है। सो अब मैंने अपना फ़ोन जो है ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर ही रखा है, प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए। दोस्तों ऑब्जर्व करा आपने, जो एक भर भर सी आवाज़ आ रही है वो कैबिनेट की है, बेस की नहीं है। बेस बिल्कुल नहीं फट रहा है बट दोस्तों कैबिनेट से आवाज़ आ रही है। सो आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आइडिया मिलेगा, मैं इसके जो सैटेलाइट स्पीकर्स हैं वो रिमूव कर दूंगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लगेगा। सो मैं प्ले कर देता हूँ, प्ले करते हुए रिमूव कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जिस जगह से ये आवाज़ आ रही है उस वहाँ पर हम अपने हाथ को लगाएंगे तो आप देखिएगा वो आवाज़ गायब हो जाएगी। हाँ सर कर दीजिए एक बार, हाँ देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ, अब आप हेडफोन में सुनिएगा। ये देखिए सर हटाइए, ये देखिए अब फिर से लगाइए, तो दोस्तों यही था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मतलब बेस तो इसका काफ़ी डीप है, लोअर फ्रिक्वेंसी हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है बट पता नहीं कैबिनेट इतना ढीला क्यों बनाया। मतलब इसका कैबिनेट बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है एंड वो स्टार्टिंग में तो ऐसा फील हो रहा है कि यार बेस फट रहा है इसका, बट बेस बिल्कुल नहीं फट रहा है। इतना मैंने आपको क्लियर बता दिया है, अगर आप बेस लवर्स हैं तो आप जा सकते हैं, आपको कमी नहीं मिलेगी। देखिए जबकि हमने इसे ऐसे खुले में बजा रखा उसके बाद भी बेस जो है ना हमारे रूम पर काफ़ी सफिशेंट हो रहा है। अगर इसे कॉम्पैक्ट एरिया में रख देंगे तो यार बेस तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, वहां पर कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी। सो कुछ ट्रैक्स प्ले कर देता हूं बेस वाले भी, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लीजिए कि कितना बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिलता है। तो दोस्तों बेस भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में टेस्ट करा दिया है एंड आई थिंक आपको अब क्लियर पता लग गया होगा कि परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिल जाता है। मेरे अकॉर्डिंग बेस क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट यार जो ड्रॉबैक है वो भी मैंने आपको बता दिया है, कैबिनेट का फिट एंड फिनिश उतना बढ़िया हमें नहीं मिलता है।
अब दोस्तों इसको थोड़ा सा टीवी के साथ भी कनेक्ट करके देख लेते हैं परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिल जाता है। ड्रॉबैक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यार इस पर हमें HDMI ARC एंड ऑप्टिकल की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, बट इसे ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं टीवी के साथ एंड देखते हैं कि यार परफॉर्मेंस एक्चुअल पे कितना बढ़िया मिलता है, मतलब कि टीवी वॉचिंग के लिए इस मॉडल को परचेस करना सही है या नहीं है, ये चीज़ आपको बताते हैं। तो चलिए इसे टीवी वाले सेटअप पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों यार हमने अपने सिस्टम को टीवी के साथ भी कनेक्ट करके आपको पूरा टेस्ट करवा दिया है। दोस्तों इसे वैसे हमने ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करा था, आप सबको पता ही है इस पर हमें लेटेस्ट कनेक्टिविटी तो नहीं मिलती है, बट यार दोस्तों ब्लूटूथ के थ्रू भी जो परफॉर्मेंस था इसका ऑडियो क्वालिटी में वो हमें काफी बढ़िया मिल रहा था। हमने ट्रेलर ही प्ले करे, मूवीज प्ले करने का तो कोई फायदा नहीं था क्योंकि इस पर हमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है। बट दोस्तों यार स्टूडियो आउटपुट में भी इसका जो परफॉर्मेंस था वो मुझे काफी बढ़िया लगा, मतलब काफी सफिशिएंट है, बेस क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही थी एंड क्लियरिटी वाइज भी दोस्तों ये काफी बढ़िया है। सो अगर आप इसे टीवी के साथ भी कनेक्ट करेंगे मूवी वॉचिंग के लिए तो आपको परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों यार आज की वीडियो में जितना मेरा एक्सपीरियंस था वो चीज मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दी है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारा हार्डवर्क डेडिकेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे सो यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि दोस्तों आप लोग ही हमारी पावर है, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो यार इस तरीके के प्रोडक्ट्स हम खरीद पाएंगे एंड आपको उनका अच्छे तरीके से रिव्यू दे पाएंगे, प्रोज कॉन्स बता पाएंगे। सो जरूर से हमें सपोर्ट करिएगा। बाकी अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।